कुछ मेरा अपनों से बड़ा जज्बा ये कभी भी कम न पड़े, मेरी सांस भी धीमी पड़ जाए पर घर में किसी के गम न रहे। कभी तय कर लेंगे साथ सभी दिन रात, में मांगू ये दुआ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बस जान थोड़ी सी भर देना, मरना भी पड़े 100 बार अगर मुझे ऐसी शहादत ही देना। तुझ पे ही फिदा होने को चले कोशिश में, अब खून मिले दिन रात, में मांगू ये दुआ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बार सही ये कर्ज तेरा कुछ कम तो हो, एहसान चुकाना है नामुमकिन, कोशिश में मेरी पर दम तो हो। गम की है जो रात बड़ी, हिम्मत भी रहे साथ खड़ी दिन रात, में मांगो ये दुआ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, साथियों। आज मैं एक वलसाड़ जिले को संदेश देना चाहता हूं कि वलसाड़ एक ऐसा जिला है जो हमेशा एक अच्छाई के चर्चा में रहा है, और वलसाड़ जिले में जब से ये महामारी कोरोना वायरस की चल रही है, तब से यहां के लोगों ने जो तंत्र को और सरकार को जो साथ सहकार दिया है, उसके लिए मैं यहां के लोगों को सलाम करता हूं। और खास करके यहां की जो सेवा संस्थाएं हैं, उन्होंने भी यहां पर बहुत ही अच्छा काम किया है, और यहां के मीडिया कर्मियों जिन्होंने भी यहां बहुत अच्छा काम किया है वलसाड़ के अंदर, और खास करके यहां के पुलिस तंत्र को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर 24-24 घंटे तक अपना योगदान दिया और इस महामारी के बीच वलसाड़ जिले को सेफ रखा, इसके लिए पुलिस खाते को भी मैं सलाम करता हूं। और खास करके मैं एक संदेश ये देना चाहता हूं वलसाड़ वासियों के, आप लोग जब भी घर से बाहर निकले और काम बगैर निकलना ही नहीं है, अगर निकले तो आपको मास्क जरूर पहन के निकलना है, डिस्टेंस रखना है, और खास करके आपको सैनिटाइजर का उपयोग करना है। और इस महामारी के बीच हमको काम बगैर बाहर निकलना ही नहीं है, हम अपने घर में स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, और हम अपने सरकार के आदेश अनुसार लॉकडाउन के चलते हम अपने घर में ही सेफ रहे, यही एक संदेश देना चाहता था हूँ। और इसी संदेश से मैं वलसाड़ वासियों को सलाम करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज इस महामारी में बहुत ही अच्छा योगदान दिया, यहाँ के लोगों ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है कि तंत्र को साथ सहकार दिया, और आज वलसाड़ हमारा सेफ है, इसके लिए मैं सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।